चलिए आगे बढ़ेंगे। देश प्रदेश में मचा घमासान, घड़ी घड़ी खबरों का तूफान देखते हैं। तो मैनपुरी में सपा का धुआंधार प्रचार जारी है और चुनावी प्रचार को अखिलेश यादव धार दे रहे हैं। यही वजह है कि हर बदलते दिन के साथ मैनपुरी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव है। नेताजी की विरासत को बचाने के लिए और डिंपल यादव को दोबारा सांसद बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जीत का मंत्र दिया जा रहा है। सफाई में ब्लॉक पदाधिकारियों को बुलाया गया, दावा किया कि सपा इस बार जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। श्रीमती डिंपल यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, वो इतने बहुमत से जीतेंगी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इस बार मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से अटूट रिश्ते के जरिए जीत का रास्ता खोज रहे हैं। अखिलेश यादव ने परिवार को एक मंच पर लाने के बाद भाजपा पर सीधा सीधा हमला बोला है। मैनपुरी ठीक हो गई, किसने के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। भाजपा की रणनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव मैनपुरी में वोट बैंक को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। तो उधर खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद मुखिया जयंत चौधरी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अपने प्लान के मुताबिक जयंत चौधरी ने खतौली के रण में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ चुनावी अभियान के दौरान रालोद सुप्रीमो और जयंत चौधरी ने भाजपा पर खूब जुबानी हमले बोले हैं। जयंत चौधरी ने खतौली के अलखपुरा से नुक्कड़ सभाओं का आगाज किया। खतौली की जनता राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजेगी। ये जो काले बादल मंडरा रहे हैं, धूप चल जाए। दरअसल भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए जयंत चौधरी ने सुपर 21 वाला प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक आज 11 नुक्कड़ सभाएं हैं, जबकि 21 नवंबर को जयंत चौधरी 10 और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। धुआंधार प्रचार के जरिए जयंत चौधरी माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत चौधरी का दावा है कि इस बार खतौली में रालोद प्रत्याशी मदन भैया की जीत होगी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की भगवा ब्रिगेड पहले ही उतर चुकी है और अब रालोद ने भी चुनावी प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। तो मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर तमाम मुद्दों से अलग है और सबसे ज्यादा सपा रालोद प्रत्याशी के बाहुबली होने का मुद्दा इंद्रो चर्चा में। जयंत चौधरी ने जब से खतौली सीट से मदन भैया को मैदान में उतारा है, तभी से भाजपा ने सपा रालोद पर खतौली में बाहुबली उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन मदन भैया ने बाहुबली शब्द को नए सिरे से परिभाषित करते हुए खुद को किसान का बेटा बता दिया। किसानों का और कमेरों का, यानी कि किसान वर्ग और मजदूर वर्ग को कैसे न्याय मिले, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। मदन भैया की मुसीबत उनका इतिहास ही नहीं बल्कि उन्हें बाहरी और खतौली में थोपा हुआ प्रत्याशी भी बताया जा रहा है। खतौली के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि उपचुनाव में मदन भैया की दबंगई काम नहीं आएगी और 8 दिसंबर को जीत भाजपा प्रत्याशी की ही होगी। मदन भैया के खिलाफ भाजपा की राजकुमारी सैनी चुनाव लड़ रही है, जिनके पति विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद भाजपा ने राजकुमारी को टिकट दिया है, जबकि मदन भैया 2022 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद की लोनी सीट से चुनाव हार गए थे। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक राजेश गौतम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला विधायक और पुलिस के बीच टोक झोंक का है। कितने अपराधी जो वांछित है, जो एचएस है, कितने अपराधियों को रखे हुए आप? काफी देर तक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ दीवानी नोकझोंक हुई। नहीं, ये वर्दी अगर पहने तो इस तरीके से मानवीय काम करोगे तो कैसे हम आदमी जाएंगे? पुलिस को खरी खोटी सुना रहे बीजेपी विधायक राजेश गौतम है। कितनी उम्र हो गई काम ये वर्दी पहने? हमारे घर में डिपार्टमेंट में हम लोग गए, लेकिन कभी 5 साल में घर, लेकिन इस तरीके से हम पहली बार करते हैं, बैठा के आप बांधे पड़े हुए हो। विधायक के तमतमानी की वजह ये है कि बनके गांव के रहने वाले भाजपा नेता ओम प्रकाश सिंह की बाइक की डिक्की से शुक्रवार की शाम कुछ बदमाशों ने करीब 3.5 लाख रुपए उड़ा दिए। इसी मामले में बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ भाजपा नेता कादीपुर कोतवाली पहुंचे थे और रुपया उड़ाने वाले बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे थे। कितने अपराधी जो वांछित है, जो एचएस है, कितने अपराधी को रखे हुए आप? पुलिस के लचर रवैये से नाराज कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने मोर्चा संभाल लिया और कोतवाल अनिल सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक राजेश गौतम का इंस्पेक्टर को खरी खोटी सुनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।